गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्पोकन इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे और स्पोकन इंग्लिश में हम सबसे पहले करेंगे अंडरलाइन प्रोनाउंस इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंस में प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, यू, दे, आई, वी। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो इसमें ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। इसको हमने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है यू कैन टेक दिस बुक विद यू। इसमें आप करेंगे मदर सेज दैट शी विल कुक पिज़्ज़ा टुडे। ही, शी, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। फादर टोल्ड हिम, हिम और हर, ये भी प्रोनाउन होते हैं, दैट वी आर रिच। फाइव, द गंगा कैरीज ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन विद इट। आपको ये ध्यान रखना है, इट भी हमारा एक प्रोनाउन होता है। He took me to the cinema. Me भी pronoun होता है, तो इसमें आप pronoun पे underline करेंगे। Granny told him them. Them भी pronoun होता है। A new fairy tale. Fairy tale क्या होती है? परियों की कहानी। Granny मतलब नानी। I have no money with me today. तो pronoun को आप underline करेंगे। Next question है See the picture and write their name. Picture को देखिए और उनका नाम लिखिए। ये क्या है? जैसे बटरफ्लाई है, फ्लावर, क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिनोनिम को मैच करना है। सिनोनिम क्या होते हैं? समानार्थक शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे सिंपल और इजी मतलब साधारण, ये नंबर वन है। सर्कुलर और राउंड मतलब गोलाकार, नंबर दो है। सैड और अनहैप्पी मतलब उदास। क्लेवर और स्मार्ट चालाक या तेज दिमाग। करेक्ट और राइट मतलब सही, फाइव नंबर है। क्वाइट और पीसफुल शांत, ये नंबर सेवन है। बोल्ड और ब्रेव बहादुर, नंबर आठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज एंड बट और टू फिल अप द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज एंड बट और टू फिल अप द ब्लैंक्स। आपको या तो एंड फिल करना है या बट या और। एंड का मतलब होता है मतलब और किसी चीज़ को जोड़ना, जैसे ये चीज़ भी। बट मतलब क्यों, और मतलब या, जैसे कोई भी चॉइस, जैसे कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे तो उसमें हम और यूज़ करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, इस तरह से। नंबर वन है ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप टी दीजिए। तो इसमें हमने एंड फिल किया है एंड सम बिस्कुट। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी एंड सम बिस्किट, मुझे चाय दीजिए और कुछ बिस्कुट भी दीजिए। आर दे गोइंग बाय बस, क्या वो बस से जा रहे हैं या कार से, तो और हमने फिल किया है। आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम, मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आई, तो बट हमने यूज़ किया है। हीज ब्रदर हैज़ ए मोटरसाइकिल, उसके भाई के पास एक मोटरसाइकिल है और एक कार भी है इसके अलावा, तो एंड हमने यूज़ किया है। दिस डॉग इज स्मॉल, ये कुत्ता छोटा है बट इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है पर ईमानदार है। देयर इज़ नो बुक नोटबुक्स एंड इरेजर इन द बैग, बैग में नोटबुक, बुक और इरेजर कुछ भी नहीं है, तो इसमें हमने एंड को यूज़ किया है। मतलब जहाँ पे एक सामान के साथ या एक आदमी के साथ दूसरे, एक चीज़ के साथ दूसरे को ऐड करना, वहाँ पे हम एंड यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से ये आप एक्सरसाइज पूरी करेंगे। थैंक यू।